भूसा के स्टैंड के विवाद में तारामंडल के सिद्धार्थ इनक्लेव निवासी शिव कुमार ओझा ने अपने 3 प्रतिद्वंदियों पर उनके ऊपर गोली फायर करने और गोली उनके पीठ में गोली लगने की बात कही है। वहीं जिला अस्पताल में पुलिस ने जब डॉक्टरी मुलाहिजा कराया तो गोली लगने की पुष्टि नहीं हो पाई, जबकि घायल व्यक्ति की स्थिति सामान्य थी। आपको बता दें कि बकौल शिव कुमार ओझा अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से सवार बुधवार की रात लगभग 9 बजे अपने तारामंडल सिद्धार्थ इनक्लेव स्थित घर जा रहे थे, तभी 3 बाइक सवारों ने उनके ऊपर गोली चला दिया, जबकि प्रत्यक्षदर्शियों ने गोली चलने की बात से इनकार कर दिया और केवल मामूली एक्सीडेंट की बात बताया। मौके पर पहुंची मुकामी पुलिस ने मामूली रूप से घायल शिव कुमार ओझा को जिला अस्पताल पहुंचवाया और उचित इलाज कराया। शिव कुमार ओझा ने रामगढ़ थाना में अपने 3 प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध नामजद तहरीर दिया है, जिसके आधार पर पुलिस अपनी विवेचना कर रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए घायल व्यक्ति के पार्टनर मनोज पाठक वादी शिव कुमार ओझा और सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, साहब मैं गाड़ी लगा दिया हूँ गाड़ी से, उसके बाद रात से चला के मारा हूँ, कहाँ से बता रहे मनोज पाठक कौन है आप उनके? हम उनके पार्टनर हैं। कार के पास गोली चली है, बुलेट से घर जा रहे थे शिव कुमार ओझा गुड्डू ओझा, 3 लोग आए उस पर गोली चला रहे। क्या क्यों लेकर चली है गोली? क्या बात है? का ठीका था, वही रंजीश लोग नहीं पाए थे ठीका, तो वही रंजीश लेकर चल रहे थे। ये ओझा जी कहाँ रहने वाले हैं? ओझा जी अभी तारामंडल में रह रहे हैं, इनका गाँव हरैया है जो है जिला, अभी फिलहाल ये घर जा रहे थे जोनबा तारामंडल में। अभी क्या स्थिति है? अभी हालत गंभीर है। मेरा नाम शिव कुमार ओझा है। कहाँ कराने वाले हैं? मैं तारामंडल सिद्धार्थ करने वाला। गोली ये टेंडर की दुश्मनी में चली गोली मेरे ऊपर। किस टेंडर को लेकर? भूसा पार्किंग स्थल। कहाँ से आप जा रहे थे, कहाँ पे चली है? मैं नगर निगम से निकला, टोनहार से टोनहार बैठा था, वहाँ से 8:30 बजे निकला और गया वहाँ गौतम बुद्ध द्वार गेट पे, चाय की दुकान है, वहाँ चाय पी रहा था और फिर 9 बजे मैं घर तक जो निकला तो पीछे से गोली चला, फिर सामने से भी गोली चला। कौन कौन थे इसमें शामिल, कौन कौन लोग थे? 3 लड़के थे मेरी गाड़ी पे। कौन? गाड़ी प्लेट लिखा हुआ था। वो है क्या नाम उसका, कौन पांडे है। अभी इलाज हुआ, क्या स्थिति है ये, डॉक्टर साहब क्या बोले? ठीक है डॉक्टर साहब, हमारी स्थिति ठीक है। इसमें गोली कहीं लगी है? पीठ में लगी और यही गोली। सर हम गड़ताल थाना क्षेत्र में नौकायन पर गोली चलने की सूचना मिली है, क्या मामला है? रामगढ़ थान में एक ओझा जी है, इन्होंने सूचना दी कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोगों ने हम पर फायर करी। इन्होंने बताया 2-3 जगह मुझे फायर टच करते हुए निकल गई, लेकिन इनका मेडिकल कराया गया, मेडिकल में इस तरह की कोई बात नहीं पाई गई। मेडिकल में एब्रेजन और कंट्यूजन छोटे हैं जो सामान्य एक्सीडेंट से या गिरने से आती हैं, किसी प्रकार फायरआर्म इंजरी मेडिकल में नहीं पाई गई। फिर भी जांच की जा रही है और तथ्यों की जांच की जा रही है। आगे सर क्या कार्रवाई की जाएगी? अब जांच की जा रही है, तथ्यों की है, बाद में इन्होंने नामजद नाम भी बताया, उनकी तस्दीक की जा रही है, क्या घटना है उसका पता लगाया जा रहा है।